पटना एसएसपी की वर्दी और ओहदे का क्या मतलब? हाईकोर्ट ने एसएसपी और एएसपी के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल मामला था, आप लोगों ने जैसा काम किया है उससे तो हम यही कह सकते हैं ना कि ये बेकार की कहानी है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये बेकार की कहानी है ना कि कानून सबसे ऊपर है। आप जब एक सामान्य केस की सही से जांच नहीं कर सकते तो फिर आपकी वर्दी का क्या मतलब है, आपके ओहदे का क्या मतलब है? आप एक केस की सही से जांच नहीं कर सकते हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और एएसपी काम्या मिश्रा पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में ऐसे ही तल्ख टिप्पणी की गई। नाराज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पटना के एसएसपी पुलिसिंग और कामकाज किसी तरह से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। नाराज कोर्ट ने कहा आधे घंटे से ज्यादा समय तक पटना के एसएसपी और एएसपी काम्या मिश्रा ने ऐसे तल्ख सवाल पूछे कि उनके पसीने छूटने लगे। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने आज पटना के गायघाट स्थित रिमांड होम में लड़कियों के यौन शोषण के मामले में पुलिस जांच पर सुनवाई हुई। लगभग एक साल जब पटना रिमांड होम की एक लड़की ने वहां यौन शोषण के आरोप लगाए थे, इस मामले पर पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद मामले की जांच के लिए पटना पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई थी और उसकी कमान तत्कालीन सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को सौंपी गई थी। पटना के एसएसपी ने खुद इस मामले की निगरानी करने को भी कहा गया था। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस नवनीत कुमार पांडे के बेंच में इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और एसपी काम्या मिश्रा मौजूद थी। दोनों पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि पटना पुलिस की विशेष टीम ने रिमांड होम मामले की गहन छानबीन की। रिमांड होम में रह रही लड़कियों के साथ साथ वहां तैनात सारे कर्मचारियों से गहन पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रिमांड होम की सिर्फ दो लड़कियों ने पुलिस के समक्ष ये कहा कि उनका यौन शोषण हुआ। रिमांड होम की तत्कालीन अध्यक्ष वंदना गुप्ता ने बाहरी लोगों को बुलाकर उनके साथ रेप करवाया था। पटना पुलिस की इस रिपोर्ट की हाई कोर्ट की बेंच ने धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़कियां के साथ रेप हुआ, अधीक्षक वंदना गुप्ता सिर्फ बलात्कारियों को लड़की उपलब्ध कराने वाली माध्यम थी तो वे कौन थे जिन्होंने रेप किया? वे कौन लोग थे जिनसे पैसे लेकर वंदना गुप्ता ने लड़कियां मुहैया कराई थी? हाई कोर्ट बार बार यह सवाल पूछ रहा था और पटना एसएसपी और काम्या मिश्रा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।